सो हे गाइस, दिस सेशन से आज हम बात करने वाले हैं कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से रीड करना चाहिए, कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम को, क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक है वो इंटरव्यू में 100% पूछा जाता है, क्योंकि वो इंटरव्यू लेवल पे जो आएगा इंटरव्यूअर पूछेगा वो आपको हर वो टॉपिक पूछेगा जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम से बिलोंग करता है, चाहे वो कुछ भी हो, बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको ऑपरेटिंग सिस्टम आना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपको OS नहीं आ रहा है तो वो आपकी एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी परेशानी बढ़ सकता है। अगर आपको नहीं पता है ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या होता है, बेसिक भी नहीं पता आपको, तब आपको कहाँ से पढ़े आप लोग, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम आपको जॉब दिलाने में आपकी 100% हेल्प करने वाला है। जैसे या जिस प्रकार है हम लोग डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, जिस प्रकार हम पढ़ते हैं किसी लैंग्वेज को, किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को कोडिंग की तैयारी करते हैं, उसी प्रकार हम लोगों को यार एक ऑपरेटिंग सिस्टम यानी OS की भी तैयारी करना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे भी इंटरव्यू में क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछता है। तो अगर आपको एक अच्छा सा जॉब चाहिए, अगर अच्छा खासा एक MNC कंपनी में जॉब चाहिए, तो आप लोगों को डेटा स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको ऑपरेटिंग सिस्टम एंड आपको कोडिंग में भी आपको एक अच्छा खासा पोजीशन को हासिल करेंगे, तभी आपको एक अच्छा खासा जॉब मिलेगा। OS हम पढ़े कहाँ से, OS पढ़ने के क्या क्या रिसोर्सेज हैं, वाक्य हम बात करने वाले हैं कि OS के लिए आप कहाँ से पढ़ोगे एंड रिसोर्सेज क्या क्या होने वाले हैं। तो यार जैसा कि आपको थंबनेल में दिखा था कि कुछ ही कम डेज था, वो काफ़ी कम डेज था, बस उसमें पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन आप लोग पॉसिबल कर सकते हैं क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा मेहनती हो एंड अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको पॉसिबल उस सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए आप लोगों को। तो यार जैसा कि मैं अभी ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में हूँ, तो मुझको इस समय मेरे सिलेबस में इस समय ऑपरेटिंग सिस्टम है, OS है, तो मैं यार कहाँ से लर्न करता हूँ एंड कहाँ से मैं आपको मैं बताऊँगा कि आपको वहाँ से अगर लर्न किए आप लोगों OS को, तो वहाँ पे आपको हर वो नॉलेज मिलेगा जो कि आपको लेना है इंटरव्यू के दौरान। अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको जनाब उस जो क्वेश्चन से वहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो आपको वहाँ से पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वहाँ से आपको डीप में नॉलेज मिलेगा, आपको अच्छा खासा MNC कंपनी में जाना है आप लोगों को तो मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई देखो, मैं जो बताने वाला हूँ, जो रिसोर्सेज आपको देने वाला हूँ, उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि अब मैं लिंक कोई नाम नहीं बताऊंगा और ना तो यार मैं किसी भी यूट्यूब चैनल का किसी भी नेम का गलत इस्तेमाल करूंगा एंड आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन में चेक करो एंड वहाँ पर मैं आपको लिंक दिया रहूँ किसी चैनल का, तो उस चैनल पर जैसे आप जाओगे तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, आप उसको 1-to-1 प्लेलिस्ट को फॉलो करना एंड वहाँ पे आपको जॉब के रिलेटेड, आपको टॉपिक से रिलेटेड, सब्जेक्ट वाइज आपको हर वो टॉपिक्स मिलेंगे OS के रिलेटेड जो कि आपको ज़रूरी है आपके इंटरव्यू के दौरान, ठीक है। तो जल्दी से जाओ डिस्क्रिप्शन में एंड वहाँ पे लिंक लो एंड लिंक पे क्लिक करो, उस चैनल को चेकआउट करो एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा टीचर है वहाँ पे, आपको पढ़ाएंगे काफ़ी ज़्यादा, मैंने भी वहाँ से पढ़ रहा हूँ एंड वहाँ से पढ़ने पे यार काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। फ़ायदा कुछ इस तरीके से होगा कि आपको वहाँ पे एक अच्छे खासे टीचर्स मिलेंगे जो कि आपको डीप में नॉलेज देंगे, ठीक है, तो आपको वहाँ पे कोई भी क्वेश्चंस नहीं फंसेंगे। अगर आपको OS पढ़नी है तो वहाँ पे आपको CPU शेड्यूलिंग पढ़ना पड़ेगा, इसमें कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको अगर CPU शेड्यूलिंग को अपना एक हथियार बनाना है तब आपको एक नॉलेजफुल चैनल की ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको ऑफलाइन में जाओगे उसी टॉपिक करने के लिए तो वहाँ पे आपको लाखों रुपए, हज़ारों रुपए चार्ज किया जाएगा, तो कैसा होगा कि आपको फ्री में कर लो, तो वही यार होगा, आप ठीक है आप फ्री में पढ़ लो एंड मैंने उसको लिंक कर दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाकर चेकआउट करो, नाम आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।